नमस्कार। मेरे पास जितने भी लोग बांसुरी सीखने आते हैं, सबसे मेरा एक ये सवाल रहता है कि क्या आप गाने, मतलब कि हिंदी फिल्मी गाने हो या मराठी भावगीत हो, बजा लेते हो कि नहीं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें तो क्लासिकल सीखना है। हम ये मानते भी हैं कि गाने अच्छे बजाने के लिए क्लासिकल का रियाज ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उसका जो कॉन्वर्स है वो भी सही है। मतलब कि गाने अच्छे बजाने का अगर एक तरफ रियाज हो तो उससे काफ़ी मदद मिलती है बंदिश बजाने में। गाने बजाने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला मेरे हिसाब से ये है कि गाना अगर परफेक्ट करना है तो आपको मेलोडी स्टडी करनी पड़ती है बारीकी से, और ये आदत लग जाती है मेलोडी स्टडी करके उसकी बारीकियाँ ढूंढने की। हम ये भी कहते हैं कि संगीत जो है सुर में नहीं है बल्कि सुरों के कनेक्शंस में है। गाना बजाना आपको ये सिखा देता है कि कनेक्शंस की तरफ कैसे देखना है और कनेक्शंस कैसे बनाने हैं। थोड़ा सा जो अलंकरण आता है, मीण हो, खटके हो, मुरकी हो, ये सारा भी आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पे करने की आदत लग जाती है गाने बजाने से। और चौथा बहुत बड़ा फायदा ये है कि गाने का अगर अगर भाव एक्सप्रेस करना हो तो आपको आपके टोन और वॉल्यूम के ऊपर काम करना पड़ता है। उसका मॉड्यूलेशन ही आपको एक्सप्रेसिव बना सकता है आपका वादन। तो इसलिए गाने बजाते रहने चाहिए और बंदिश अपने आप अच्छी बजने लगेगी। एक उदाहरण देखते हैं राग मालकोस का। मालकोस जो है एक बहुत पॉपुलर गीत है, मन तरपत हरि दर्शन को आज। या और एक गीत है जो बिल्कुल अलग है, बलमा माने ना। एक तरफ जब मैं ऐसे गीत बजा पाता हूं, तभी जब मैं बंदिश बजाता हूं तो उसमें जान आ जाती है, एक्सप्रेसिव हो जाती है बंदिश। या फिर ऐसे द्रुत बंदिश हो तो कोई भी किसी भी तरह के बंदिश बजाना आसान हो जाता है अगर एक तरफ मैं गाने बजाते रहूं तो।
हम कहते हैं कि ताल का छंद हो जाना चाहिए, राग की धुन बन जानी चाहिए, तो फिर बंदिश का तो गीत ही बनना चाहिए नहीं।